ये हमारा फाइंड का कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं व्हाट विल बी देयर ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द वाई एक्स एक्सिस इज जीरो, ऑर्डिनेट एफसीसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द वाई एक्सिस जीरो कॉमा वाई। सिर्फ अगर एफसीसा पूछा है तो जीरो कॉमा वाई वाली फॉर्म नहीं लिखोगे, यू विल राइट डाउन जीरो ओनली, ठीक है। Then if y coordinate of a point is zero, then the point always lies on which axis? ये मैं वैसे one mark में मतलब without MCQ पूछ रही हूँ, but आपका paper जो है that will be totally in the MCQ form. Next, find the mirror image of point 3, 5 in x-axis. Mirror image of point 3, 5 in x-axis. x-axis के along है तो कौन सा coordinate change करते हैं, y coordinate, sign change कर देते हैं, point is 3, 5, तो point क्या हो जाएगा आपका 3, -5. Find the perpendicular distance of 1, 5 from x-axis. x-axis से distance लेना है तो कौन सा distance होगा, y वाला। This is your chapter number 3. Now the next question, what is the mirror image of a comma b on x axis? X axis pe a comma minus b, x axis hai to y coordinate ka sign change kar doge. What do we call the point of intersection of the coordinate axis? Origin. What are the coordinates of the point of intersection of the these coordinate axis? In which quadrant or on which axis each of the following point lies? First point hai hamara -3, 5. In which quadrant or on which axis does it lie? X negative, y positive. Kaun sa quadrant hai? Second quadrant. Next point is 4, -1. X positive, y negative. Fourth quadrant. 2, 0. एक भी अगर कोऑर्डिनेट जीरो है तो मतलब वो एक्सिस पे लाई करेगा, अगर वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो एक्स एक्सिस पे, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो वाई एक्सिस। बहुत ध्यान से ये चीज आपने करनी है क्योंकि मोस्टली यही गलती करते हो। 0, 5 वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, एक्स जीरो है तो दिस इज वाई एक्सिस। इफ वी प्लॉट द पॉइंट 1, 4.5, पॉइंट बी हमें गिवन है -1, 0। टुमारो यू विल बी हैविंग योर टेस्ट, कौन से चैप्टर का, लीनियर इक्वेशंस एंड नंबर सिस्टम। सी पॉइंट है आपका 1, -4.5 एंड पॉइंट डी दिस इज 3, 0। क्वेश्चन दोबारा सुनो, इफ यू प्लॉट दीज फोर पॉइंट्स एंड जॉइन इन ऑर्डर then which figure is obtained? इनको हम प्लॉट करते हैं, ज्वाइन करते हैं तो किस टाइप का फिगर आपका बनेगा, रफली प्लॉट कर लो। X1, Y4.5, this point आ गया A, then B -1 or 0, ये point आ गया, C is 1 and -4.5, 1 and -4.5 ये point आएगा, and D क्या है आपका 3, 0, वो यहाँ पे है। अब हमने क्या किया, this is your point D, ये कौन सा पॉइंट है, सी दिस इज, और ए है 1, 4.5, ये रोम्बस है। काइट है। वैसे ग्राफिकली जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो वहां से आपको बिल्कुल क्लियर कट पता लग जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
रोम्बस आएगा, ये चेक कर लेना जब आप ग्राफ से प्लॉट करोगे, इक्वल डिस्टेंसिंग लेके चलोगे तो दिस यू विल गेट अ रोम्बस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच दे विल लाई. ऑर्डिनेट इज 5, एब्सिसा इज -3. ऑर्डिनेट 5, एब्सिसा -3. एब्सिसा -3 यानी कि एक्स नेगेटिव, ऑर्डिनेट 5 यानी कि वाई पॉजिटिव, तो दिस विल बी द सेकेंड क्वाड्रेंट. बिना प्लॉट किए बताना है आपको. ऑर्डिनेट 5, एब्सिसा 3, बोथ आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट. ऑर्डिनेट -5, एब्सिसा -3, बोथ नेगेटिव. बातें नहीं करनी, बाकी बच्चे आंसर दे रहे हैं, यू आर ऑल्सो सपोज टू गिव द आंसर. ऑर्डिनेट -4, एब्सिसा 6. एक मिनट, बाकी नहीं बोलेगा. यस, ऑर्डिनेट -4, एब्सिसा इज 6. एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है. फोर्थ क्वाड्रेंट, एब्सिसा हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्डिनेट हमेशा वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट रुद्र, एब्सिसा -4, ऑर्डिनेट -8. एब्सिसा -4, ऑर्डिनेट -8. दोनों नेगेटिव है क्या? पॉइंट्स बोलने हैं मैंने. एब्सिसा -4, ऑर्डिनेट -8. एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सारे बोल दे 2, 3, 1, 4, कोई तो होएगा. मुझे फर्स्ट जो आप दे रहे हो आंसर, दैट शुड बी द करेक्ट वन. इतना ये रिवाइज हो चुका है. बोथ आर नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव. क्या बोल रही है? माइनस. मैंने क्या क्वेश्चन पुट किया है? क्वेश्चन क्या था मेरा? सुन ही नहीं रहे, इसी से पता लग रहा है बातें कर रहे थे. और तभी मैंने आपको कहा है कि आप बताएंगे. क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट दीज पॉइंट्स लाई. एब्सिसा अगर -4 है, ऑर्डिनेट -8 है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे ये? अब आवाज नहीं निकलेगी, है ना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? जरा ट्रांसलेट करो जी, क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट बोल रहे हैं. चारों में से कोई तो एक होगा. मैम को जो पसंद है मैम चूज कर लेते हैं, है ना? क्या बता रहे हो? मैंने क्या पूछे? हाँ जी, फिर अच्छा चलो मुझे इसके साइंस बताओ. इस क्वाड्रेंट में साइंस क्या होते हैं एक्स और वाई के? इधर हो इस साइड, शिफ्ट दिस साइड. चलो आप बताओ साइन. मैंने पूछा है पॉजिटिव या नेगेटिव? दोनों पॉजिटिव. यहां दोनों नेगेटिव. ओके, ये लगा दिया मैंने. Is it correct? क्या गलती है? उल्टा कर दूं? Now is it correct? कौन सा ठीक है दोनों में से? ऊपर वाला. क्यों? मैंने क्या कहा है? कंसेप्ट क्लैरिटी होगी तो आप ये पेपर क्लियर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे. अब ये कंसेप्ट ही है यहाँ. ये पॉइंट यू आर सेइंग इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट. ये मैंने इरेज कर दिया. व्हाई इज दिस करेक्ट? यू कैन रिमूव दिस एंड नाउ स्पीक. पहला नेगेटिव आएगा, दूसरा पॉजिटिव आएगा. पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, ठीक है. क्यों? व्हाई द फर्स्ट शुड बी नेगेटिव एंड द सेकंड शुड बी पॉजिटिव? रीजन है इसके पीछे कोई? मतलब मैं आके क्लास में जो चिल्ला रही होती हूँ कोई फायदा नहीं उसका, है ना? हाँ जी,
नेगेटिव साइंस आर लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, तो यहाँ हाँ इस क्वाड्रेंट के लिए यू कैन से फॉर दिस क्वाड्रेंट जो हमारी एक्स की एक्सिस है दैट इज द नेगेटिव एक्सिस बिकॉज दैट इज कंटेनिंग ऑल द नेगेटिव नंबर्स. वाई की जो हमारी एक्सिस है, वेरी गुड, सिट डाउन. वाई की जो हमारी एक्सिस है दैट इज कंटेनिंग ओनली द पॉजिटिव नंबर्स, दैट इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस. तो ये वाला क्वाड्रेंट आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस के कॉम्बिनेशन से बना है. तो ऑल द क्वारिनेट्स विल बी ऑफ द फॉर्म माइनस कॉमा प्लस. माइनस साइन पहले इसलिए आया है क्योंकि x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है, इसलिए प्लस बाद में आए. अब नेक्स्ट इसका साइन बताओ आप. थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट है. प्लस पहले प्लस और फिर माइनस. यहां प्लस क्यों भाई? ये कौन सी एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस है? नेगेटिव है, नेगेटिव है. तो फिर यहाँ पॉजिटिव कैसे आ गए? साइन उल्टा लेते हैं, क्या आएगा यहाँ पे? और यहाँ पे ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, फिर नेगेटिव रहेगा. श्योर ये दोनों नेगेटिव हो गए. अब यहाँ बताओ क्यों ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है? वेरी गुड. और माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस है. अब आपका क्वेश्चन क्या आएगी, आपका क्वेश्चन क्या था? एब्सिसा इज माइनस फोर एंड ऑर्डिनेट इज माइनस एट. एब्सिसा किसको रिप्रेजेंट करता है? एब्सिसा किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स कोऑर्डिनेट के वाई कोऑर्डिनेट. श्योर एक्स को रिप्रेजेंट करता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट वाई को. अब एक्स और वाई के साइन क्या हैं आपके? दोनों नेगेटिव हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? क्यों? अच्छा ये कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से? ये फर्स्ट है. चलो सेकंड ये है कि ये है? ये चलो ये सेकंड हो गया. ये क्यों? आज सारे कंसेप्ट यही क्लियर करेंगे हम. ये सेकंड क्यों है? क्वाड्रेंट्स हम कौन से ऑर्डर में लेके चलते हैं? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है. ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया. अब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपका जो पॉइंट पूछा गया? क्या? यस, आंसर दो मुझे. जो बच्चे मुझे सुनते नहीं ना ध्यान से, फिर ऐसे ही मैं उनको कंफ्यूज करती हूँ. मुझे बहुत मजा आता है ऐसे. एंड ऑल आर एंजॉइंग. सेकंड क्यों? मेरा भी यही रिएक्शन होने वाला है. आपको मैंने क्या कहा बेटा? एक्स आपका क्या है? दैट इज अ नेगेटिव साइन. वाई क्या है? दैट इज आल्सो हैविंग द नेगेटिव साइन. बोथ आर नेगेटिव. यहाँ पे बोथ नेगेटिव कौन से हैं? फिर कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? अब अगले सारे आप बताओ. अब एक्स जो है, एब्सिसा जो है दैट इज प्लस थ्री एंड ऑर्डिनेट जो है दैट इज माइनस फाइव. क्यों? तो एब्सिसा पहले वाले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फिर पहले तो मुझे एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्लियर करो रुद्र. एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है? अगर आपको मुझे समझाना है आप कैसे समझाओगे? आप ये सोचो मेरे को नहीं आता, मुझे नहीं पता एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है. आप मुझे कैसे बताओगे, मैं कैसे याद रखूं कि कौन सा दोनों में से, एब्सिसा या ऑर्डिनेट दोनों में से कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है? सुना नहीं ना, सुना नहीं क्लास में, तो यही कुछ होएगा. बहुत बार बताया है मैंने ये चीज.
चलो अर्शदीप बताओ इसको, ध्यान से सुनना। ये याद रखने का तरीका है, जब आप एबीसी के लेटर्स, अल्फाबेट के लेटर्स करते हो, आपका ए पहले आता है, एब्सिसा, ए फॉर एब्सिसा, ओ बाद में आता है, ओ फॉर ऑर्डिनेट, एक्स आपका पहले आता है, वाई आपका बाद में आता है, यानी कि एब्सिसा इज रिप्रेजेंटिंग एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटिंग वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वाई एक्स इज पॉजिटिव, एक्स एक्स इज पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे वाई वाले पॉजिटिव साइंस है, एक्स वाले नेगेटिव है, एक्स पहले वाई बाद। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, एक्स पहले आ गया वाई बाद में आ गया, बेशक साइन सेम है पर एक्स पहले वाई बाद। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, ये वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स पहले वाई बाद। अब मेरा क्वेश्चन है आपको कि मुझे एब्सिसा गिवन है प्लस एट और ऑर्डिनेट गिवन है माइनस सेवन। एब्सिसा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स को, और ऑर्डिनेट तो साइन क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव की पॉजिटिव नेगेटिव। अल्फाबेट में पहले क्या आता है, एक्स के वाई, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट है, सिंपल। और बताइए, आज जब तक आपका ये कंसेप्ट नहीं ना क्लियर होना, हमने इसको छोड़ना नहीं। चलो, अब एब्सिसा है माइनस सेवन, ऑर्डिनेट है माइनस थ्री, क्यों, बोथ आर नेगेटिव। चलो, अब मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया, वाई, एब्सिसा इज रिप्रेजेंटिंग एक्स, श्योर, ऑर्डिनेट इज नेगेटिव, एब्सिसा इज पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो गॉट इट। एक और बताएंगे, गॉट इट, सिट डाउन। चलिए, अब नेक्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच लाइज ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ। एक ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स, यस, व्हिच इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ, तो इट मींस दैट इज द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, सो दैट इज द ओरिजिन 0, 0। Whose ordinate is minus 4 and which lies on y-axis. Y-axis पे lie कर रहे हैं, तो its x coordinate will be 0. और ordinate कितना given है? Minus 4. तो what will be the point? 0, minus 4. Abscissa is 5 and lies on the x-axis. 5, 0. What is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? Horizontal axis is x-axis and vertical is y-axis. What is the name of each part of the plane formed by these lines? Quadrants. इनको हम क्या कहते हैं? Quadrants. Write the name of the point where these two lines intersect. ये हम कर चुके हैं already. This is called the origin. उसके बाद बाकी questions वही plotation के हैं आपके. अच्छा, अब ये करेंगे हम. हमें given है LM is a line parallel to y-axis at a distance of 3 units. LM is a line parallel to y-axis at a distance of 3 units.
पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स. अच्छा अब अगर तो सिर्फ इतना गिवन होगा तो लाइन कैन बी ड्रॉन ऑन दिस साइड एज वेल एज ऑन दिस साइड, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव गिवन होते हैं. बट उन्होंने फिगर दी हुई है कि यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइन को. ये पॉइंट एल है, दिस इज योर पॉइंट एन, और इसके ऊपर बाकी जो हैं और पॉइंट्स लाए कर रहे हैं आपके पॉइंट पी आर क्यू. ये 3 पॉइंट्स इस पे लाए कर रहे हैं. ये पॉइंट आपका M है, देन वी आर हैविंग दिस पॉइंट एज P, दिस इज R एंड दिस इज Q. फिगर क्लियर है? अब पॉइंट्स हमें उसने क्या पूछा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स P, R एंड Q. P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? लाइन इज गिवन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, यानी कि ये पॉइंट आपका x इज इक्वल टू 3 वाला है, तो p ये 3 हो गया आपका, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस 2, तो पहले x वाला और फिर y. r के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये डिस्टेंस आपका 3 था, x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट हो गया 0. q के कोऑर्डिनेट्स विल बी 3, -1. m के कोऑर्डिनेट्स 3, -3. ये सारे आ गए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट एल एंड एम. डिफरेंस बिटवीन द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट्स एल एंड एम. एल के पहले कोऑर्डिनेट्स लिखो. एल के कोऑर्डिनेट्स 3, 4. चलो अब एब्सिसा ऑफ एल एंड एब्सिसा ऑफ एम बोथ आर सेम. वैसे तो आप देखो तो सभी पॉइंट्स के एब्सिसास आर सेम, तो जब आप एब्सिसास का डिफरेंट लोगे तो दैट विल बी सेम नंबर्स एंड डिफरेंस लोगे तो दैट विल बी 0. तो एल और एम का उसने स्पेसिफिकली पूछा है तो दैट विल बी 0. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सिसा ऑफ आर एंड ऑर्डिनेट ऑफ एम. डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा ऑफ आर एंड ऑर्डिनेट ऑफ एम. ये आपका एब्सिसा इसका क्या है 3, ये ऑर्डिनेट क्या है -3. डिफरेंस उसने पूछा है तो दैट विल बी 3, -3, तो दैट विल बी +6. अच्छा उसके बाद पॉइंट्स लिख लो -5, -4, -4, -1 एंड द थर्ड पॉइंट इज -3, -2. लेट दिस बी represented by ABC. We are to check whether these lie on a straight line or not. क्या ये points एक straight line पे lie कर रहे हैं या नहीं? Plot करो points को. चेक करो इफ दे आर ऑल लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन और नॉट. अगेन वैसे इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप ग्राफ से प्लॉट करके इजीली आप उसको कर सकते हो, क्योंकि यहाँ अगेन मेरा जो डिस्टेंसिंग है वो अनइक्वल आ रही है. हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो. कैसे करोगे? फर्स्ट पॉइंट की अलग बनेगी, सेकेंड की अलग बनेगी, थर्ड की अलग बनेगी, हर पॉइंट के लिए अलग बनेगी. वो बच्चे फिर ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो जाएगा, ठीक है ना? तो बेटर टू प्लॉट इट एंड देन फाइंड. अब देखो -5, 4. -5, 4 कहाँ आएगा? ये पॉइंट आ जाएगा, देन -4, 1 यहाँ आ जाएगा,
देन माइनस थ्री कॉमा माइनस टू. अब इनको ज्वाइन करके देख लेना इफ दे आर लाइंग ऑन द सेम पॉइंट और नॉट. मेरे अभी जो मैंने लिए हैं डिस्टेंसेस अकॉर्डिंग टू दैट इट इज फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, पॉइंट्स ये वाले जो हैं ये स्ट्रेट लाइन पे हैं. अब नेक्स्ट सेम पॉइंट्स आपको चेक करनी है. फोर थ्री टू माइनस थ्री एंड जीरो जीरो. ये पॉइंट टू, ये माइनस थ्री, दिस इज जीरो जीरो, और जो थर्ड वाला है दैट इज फोर कॉमा थ्री. ये और ये, आर दीज लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन? नो, सो दीज पॉइंट्स आर नॉट लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. इसमें बस वही ज्यादातर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं. अब ये स्पेसिफिकली एमसीक्यू से गिवन है. लेट अस डिस्कस देम क्विकली. पॉइंट माइनस फाइव कॉमा थ्री लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट. साइंस ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस. पॉइंट जीरो कॉमा माइनस फाइव लाइज ऑन द एक्स एक्सिस इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ऑन द वाई एक्सिस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. जीरो कॉमा माइनस फाइव है तो इट लाइज ऑन द वाई एक्सिस. एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज क्वेश्चन इतनी जल्दी ना ना आंसर दो. एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट उसका जीरो होता है, ऑर्डिनेट जीरो होता है. ही इज आस्किंग अबाउट एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट. अब ध्यान से सुनो ऑप्शंस, जीरो वन टू और एनी नंबर, एनी नंबर विल बी द ऑप्शन. ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज जीरो वन माइनस वन एनी नंबर. सेम वे में ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस विल बी एनी नंबर. ठीक है, पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट. अच्छा चलो इसी को मेरे को बताओ. एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज, ऑप्शंस मैंने चेंज कर दी. इट कैन बी जीरो, इट कैन बी वन, इट कैन बी एनी रियल नंबर, इट कैन बी एनी नेचुरल नंबर. रियल नंबर लोगे, नेचुरल नहीं लोगे, क्योंकि डेसिमल्स में भी आपके नंबर्स हो सकते हैं. नाउ द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट, ये हम कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन. पॉइंट बोथ ऑफ हूज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट. वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट अगर जीरो है देन द पॉइंट लाइज, वाई जीरो तो इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस. द पॉइंट्स माइनस फाइव कॉमा टू एंड टू कॉमा माइनस फाइव, दो पॉइंट्स हमें गिवन है. बस अब आपके एक चैप्टर रह गया ना रिवीजन वाला, तो टुमारो वी विल स्टार्ट विद दैट. ट्रायंगल्स और लाइंस एंड एंगल्स, योर फर्स्ट रिवीजन टेस्ट विल बी ऑन नेक्स्ट ट्यूजडे. ये वाला कमिंग ट्यूजडे मतलब कल नहीं है, जो नेक्स्ट ट्यूजडे आएगा दैट ऑन दैट ट्यूजडे यू विल बी हैविंग योर फर्स्ट रिवीजन टेस्ट. बट जब हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ द सेकंड चैप्टर. ठीक है, बीच में एसर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आपको. हाँ जी, माइनस फाइव कॉमा टू एंड टू कॉमा माइनस फाइव, ये दो पॉइंट हमें गिवन है. दीज लाई इन, ऑप्शन है सेम क्वाड्रेंट, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स रिस्पेक्टिवली, फोर्थ एंड सेकेंड क्वाड्रेंट्स रिस्पेक्टिवली. एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड. एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ, तो ऑप्शन क्या आएगी? सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स रिस्पेक्टिवली. यहाँ ये ध्यान देना है कि यही सेम ऑप्शन आपकी ऐसे भी आ सकती है. यहाँ आ गया रिस्पेक्टिवली और मैंने इसको चेंज कर दिया ऐसे. जब आपका वर्ड रिस्पेक्टिवली लग जाता है इट मीन्स जो पहले है वो पहले वाले के साथ एसोसिएटेड है, जो बाद में है वो बाद वाले के साथ है. ठीक है, अब माइनस एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो दिस इज नॉट लिंक्ड विद एसोसिएटेड विद दिस, तो ये वाली ऑप्शन जो है आपकी गलत होगी क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा. क्लियर है?
फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, अगर रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा, रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा हुआ फिर ऑर्डर चेंज हो सकता है. नेक्स्ट, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू पॉइंट्स -2, 3 एंड -3, 5, ये दो पॉइंट्स गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है, देन एब्सिसा ऑफ पी माइनस एब्सिसा ऑफ क्यू, एब्सिसा ऑफ पी माइनस एब्सिसा ऑफ क्यू इज इक्वल टू, एब्सिसा ऑफ पी इज -2, एब्सिसा ऑफ क्यू इज -3, डिफरेंस ले रहे हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस होके आंसर क्या आ गया आपका 1. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 4 फ्रॉम द वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज विच कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट. तो बिना सोचे मतलब कैलकुलेशंस किए ड्रॉ किए डायरेक्टली आप आंसर लिखेंगे. पॉइंट्स हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइंस विल लाई इन, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट जिनके डिफरेंट हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. उसके बाद एक फिगर बनी हुई है, ग्राफ है, पॉइंट प्लॉट है और उसके कोऑर्डिनेट्स की ऑप्शंस आपको गिवन है, तो दैट यू कैन डू. पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 एंड लाइज ऑन वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट 4 लाइज ऑन वाई एक्सिस 0, 4. पॉइंट पी गिवन है 0, 3. पॉइंट आर गिवन है 0, -1. पॉइंट एस गिवन है -5, 0. और पॉइंट टी गिवन है 1, 2. विच ऑफ दीज डू नॉट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, पी एंड आर ओनली, क्यू एंड एस ओनली, पी आर एंड टी, क्यू एस एंड टी. ऑप्शंस देख लो, पॉइंट्स देख लो आपके क्या क्या हैं, 0, 3, देन 1, 0, 0, -1 एंड -5, 0 एंड 1, 2. This is P, Q, R, S and T. Question है, which of these do not lie on x-axis? x-axis से कौन सा point lie करेगा पहले तो वो देखो, जिसका y coordinate 0 होगा, यानी कि ये और ये, तो कौन से points जो है वो x-axis पे lie नहीं करे, P, R and T. So as the bell has gone, so now it's very clear to you that what type of questions we are having in this chapter. So do the revision for the same and make your concepts clear from your NCERT first of all, and then only you will be able to do your questions. So I'm ending the meeting now. Thank you. Have a nice day.